तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CGI होता क्या है और इसको जो है एनिमे फैंस जो इतना हेट क्यों करते हैं। CGI का मतलब होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। अब CGI के अंदर जो स्टैटिक या फिर डायनेमिक मोशन दोनों ही आता है, यानी कि बेसिकली CGI के अंदर हम 3D का यूज़ करते हैं एंड एनिमे जो हमारा वो 2D एनिमेशन है। डेट्स वाई अगर हम 2D में 3D को फिट करने की कोशिश करेंगे तो हमें गलती जो अलग से पता लग जाती है। एंड बहुत सारे एनिमे में CGI का यूज़ होता है, लेकिन एक लिमिट तक किया जाए और परफेक्शन के साथ में किया जाए जब ही ठीक लगता है। CGI के कुछ मूवीज़ के एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, अवतार, इंसेप्शन, मैट्रिक्स, इंटरस्टेलर। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे CGI जो है एक एनिमे को ख़राब कर सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें क्राउड एरिया से समझ सकते हैं, यानी किसी एनिमे में अगर क्राउड के एरिया को, यानी भीड़ भाड़ को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसके अंदर अगर एक भीड़ के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, उनकी शेडोज ठीक से नहीं बन रही, तो हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं कि वो 2D नहीं बल्कि 3D एनिमेशन है। एंड 3D का मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि भाई बजट बचाया जा सके, टाइम मैनेजमेंट हो सके थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज पूरी फेक सी लग रही है, मतलब कितनी ज़्यादा फेक इमेज है इसके अंदर। शेडोज आर लुकिंग लाइक बॉक्स एंड दी कैरेक्टर्स आर ऑल्सो नॉट लुकिंग दैट गुड। सेकंड हम एक एनिमे का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि नाइट्स ऑफ सिडोनिया। ये एक एक्शन पैक और साइफाई एनिमे था, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खराब बन रहे गए, लिप सिंकिंग उनकी अच्छे से नहीं हो रही थी, फेस के एक्सप्रेशन उनके जीरो लग रहे थे और बहुत जगह पे तो स्टैटिक एक्सप्रेशन का यूज़ किया था, यानी कि CGI इस्तेमाल कर दिया और स्टैटिक बिना मोशन के डाल दिया और उस पर भाई लिपसिंग वगैरह मतलब बोल दी गई है पीछे से, मतलब कुछ अजीब सा ही बना दिया था। अब ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से फ्लॉप था, बट इट कुड बी बेटर एंड CGI ने इसमें काफ़ी ज़्यादा खराब इफेक्ट्स जो डाले थे। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं एक बेयर का जो कि गोल्डन कामोय एनिमे के अंदर दिखाया गया था। एंड इस इमेज को तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, ऐसा लग रहा है कोई GIF का यूज़ किया गया है, यानी GIF का यूज़ किया गया है या फिर कोई अलग से मतलब कुछ चिपका के कट से करके एनिमेशन डाल दिया यहाँ पे। एंड इट इज़ नॉट 2D ऑफ कोर्स एंड 3D भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी गेम से क्लिप उठा के डाल दिया। और वैसे भी ये एक वॉर एनिमे था, तो वॉर एनिमे में चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और अच्छी दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ अजीब सा ही बना दिया था। एंड अब हम बात करते हैं कि ऐसे एनिमे के बारे में जो कि CGI की वजह से बहुत ही बुरी तरह तबाह हुआ, जो कि है बर्सर्क एनिमे। इसका जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक टाइप का लग रहा था, ऐसा लग रहा भाई रोबोट का एनिमेशन डाल दिया है। अगर बर्सर्क की आप सिर्फ और सिर्फ मांगा पड़ती है अमेजिंग, बट व्हेन इट कम्स टू एनिमेशन इट इज जस्ट बट इसका मतलब ये नहीं है कि CGI का यूज़ अच्छे से नहीं किया जाता एनिमेशन के अंदर। तो कुछ ऐसे एनिमे का नाम मैं लेने जा रहा हूँ जिनके अंदर CGI का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। द फर्स्ट इज नन अदर देन AOT, यानी कि अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में जो भी एक्शन पैक सीक्वेंस दिखाया गया, एक्शन पैक जो सीन्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोशन में डाला गया और उसके अंदर CGI का यूज़ किया गया, जिससे कि जो है उनकी कमियां जो छुपाई जा सके और पता भी ना चले भाई हमने CGI डाल दिया इसके अंदर। एंड ऑफकोर्स AOT इज़ वन ऑफ दी, जानते हो कितना बजट है एनिमे के अंदर, तो ऑफकोर्स इतना ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम होगा, तो उसको सेव करने के लिए CGI का यूज़ करना चलता है और वो CGI का यूज़ अच्छे से करते हैं, हमें उतना पता भी नहीं चलता है CGI यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ तो चलता है। नेक्स्ट वन इज़ लैंड ऑफ लस्ट्रस। इस एनिमे के अंदर जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाए गए थे, मूवमेंट्स और फ्लूडिटी जो काफ़ी अच्छी लाने के लिए CGI का यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ही परफेक्शन के साथ में यूज़ किया गया, और ये जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है CGI के मामले में देखा जाए तो एनिमे को लेकर। देन कम्स एनिमे स्टीम बॉय विच वॉज कॉम्बो ऑफ 2D एंड 3D एंड इसके अंदर अप्रॉक्स 440 CGI कट्स लगाए गए थे, जो कि 2004 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थी और उसमें इसने बहुत ही स्मूथली वर्क किया था। फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट थे बहुत ही अच्छे से लगाए गए थे एनिमे के अंदर। Then here we have some more examples like Summer Wars, Fate Zero, etc. And अभी recently जो एनिमे आया है अपना चेंज, उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इसमें हैवी CGI डाला गया है, लेकिन जब फर्स्ट एपिसोड आउट हुआ तो उसके बाद जो है हमें पता लगा कि या CGI है लेकिन मतलब स्मूथ एनिमेशन है, क्योंकि ऑफकोर्स मापा है तो वो ऐसी कोई गलतियाँ तो करेगा नहीं अपनी तरफ से। सो इस वीडियो में और ज़्यादा ज्ञान की बात ना मैं कर सकता हूँ ना आप सुनना चाहते होंगे, तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। वो नीचे जो सब्सक्राइब बटन उसको एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए, वो ग्रे कलर का हो जाए। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।